गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राग भागेश्री। तो बेटा, राग भागेश्री का थाट काफ़ी है। वादी स्वर इसका माँ जो सबसे ज़्यादा लगता है, स्वादी स्वर इसका सा है। स्वर इसमें गा एंड नी कोमल है। नोट्स इसमें कोई भी अवॉर्ड नहीं है। जाति इसकी बेटा शाडो संपूर्ण है, क्योंकि असेंडिंग में 6 स्वर लगते हैं और डिसेंडिंग में 7 स्वर। टाइम इसका बेटा मिडनाइट है और इसका नियरेस्ट राग इससे मिलता जुलता राग भीमपलासी। एसेंट ऑर्डर इसका आरोह सारे गामा पाधानी सा, ठीक है ना बेटा। पा इसमें असेंडिंग में अवॉइड है, ओनली असेंडिंग में, डिसेंट में लगता है सानी धापा मागा रेसा। और मेन फ्रेज इसका सारे गामा पा मापा गारे, ठीक है बेटा। तो ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अगर क्वेश्चन रहेगा राइट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ राग भागेश्री, तो आपने इस तरह से लिखना है। देन अगर फुल डिस्क्रिप्शन पूछे, देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ ये लिखा जाएगा बेटा, राग भागेश्री इज़ द मेन रिप्रेजेंटेटिव राग ऑफ द काफी ग्रुप और यू कैन से काफी थाट, ठीक है ना बेटा। डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द काफी थाट। म्यूजिशियंस यूज गा एंड नी कोमल, ये मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी बताया है। एंड रेस्ट ऑफ स्वर आर शुद्ध। द जाति ऑफ राग इज शाडव संपूर्ण, क्यों? क्योंकि 6 स्वर इसके असेंडिंग में और 7 स्वर इसके डिसेंडिंग में। द नियरेस्ट राग ऑफ भागेश्री इज बेटर राग भीमपलासी, बट इन राग भीमपलासी वी आर अवॉइडिंग द ओनली पा इन एसेंट ऑर्डर। वही बात है बेटा, उसको थोड़ा डिटेल में लिखना है आपने, ठीक है ना। बट इन काफी राग वी आर नॉट अवॉइडिंग एनी स्वर बिकॉज ऑफ एसेंट ऑर्डर, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ रागस। तो बेटा उसी बात को लिखना है। अब इसकी बंदिश मैं आपको दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग, किस तरह से उसको गाना प्रैक्टिस करना है। सा नी नी धा धा मामा, गम धा
बाय।